उठो पुत्र, चिंता का कारण माते? मैं चिंतित नहीं हूं पुत्र। मुझे ये नहीं पता कि मुझे तुमसे जो कुछ कहना है वो कोई माता अपने पुत्र से कैसे कहे। पिताश्री ने आपसे यही कहा था ना माते, कि आपके कंधों पर इतिहास का बोझ पड़ने वाला है। मैं सब जानता हूं माते। संभवतः उस बोझ का ज्ञान अब आपको हो रहा है। मेरे पिता के दुराग्रह ने मुझे इस मोड़ पर ला खड़ा किया है। संभव है पिताश्री ने मुझे इसी ऐतिहासिक क्षण पर आपकी सेवा करने के लिए मृत्युलोक में आने का आदेश दिया था। आपका क्या आदेश है माते? यदि जानते हो तो पूछ क्यों रहे हो? पूछ इसलिए रहा हूं माते, ये केवल माता और पुत्र की समस्या नहीं है। इस समस्या का संबंध औरों से भी है। इस समस्या का संबंध हस्तिनापुर से भी है और भारतवर्ष के इतिहास से भी। और आप केवल मेरी माता नहीं है, आप राजमाता भी हैं। आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए माते। राजमाता की यह समस्या है कि हस्तिनापुर का सिंहासन सूना है। मेरे दोनों पुत्र इस लोक को त्याग गए हैं। महाराज के ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्मचर्य के लिए वचनबद्ध हैं, इसलिए मुझे अपने ज्येष्ठ पुत्र को कष्ट देना पड़ा। अंबिका और अंबालिका की कूप का मान रखना तुम्हारा कर्तव्य है, क्योंकि तुम चित्रांगद और विचित्रवीर्य के ज्येष्ठ भ्राता हो। आपका आदेश सिर आंखों पर माते, परंतु इस कर्तव्य पालन के लिए मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। मैं उग्र साधना में था, आपका आदेश मिला वैसे ही चला आया। भीष्म का स्वागत भी न कर सका। अभी मेरा रूप आपके आदेश के योग्य नहीं है माते। 1 वर्ष उपरांत मैं आपके आदेश का पालन अवश्य करूंगा। मेरे पास 1 वर्ष नहीं है पुत्र। आप माता है, आप मेरा रूप देख नहीं रहीं। मां का आदेश है कि तुम अपने कर्तव्य का पालन करो। जो आज्ञा माते, क्योंकि जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वर्तमान की झोली में अपना उपहार डालकर आगे बढ़ जाए।